जनपद संभल के चंदोसी में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। जनपद संभल के चंदोसी में सपा कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर कानपुर में शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सपा के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आज हमने अपने 8 जावाज पुलिस कर्मियों को खो दिया है। मुख्यमंत्री जी को शासन प्रशासन पर पकड़ बनाते हुए जंगल राज को खत्म करते हुए उन अपराधियों को भी खत्म करने का आदेश देना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। सपा ने शहीद हुए पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मांग भी की है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए ये बहुत ही बड़ी दुखद घटना है कि अब जहाँ उत्तर प्रदेश में पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो वहाँ जनता क्या सुरक्षित होगी। और अगर इस तरीके से जंगल राज रहेगा तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि वो आज ही अपनी पद से इस्तीफा दें और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को सरकार बनाने का मौका दें और हम सरकार चलाई है और चलाकर भी दिखा देंगे। ये जंगल राज चल रहा है, इनके बस की नहीं है सरकार चलाना। सिर्फ ये कहना चाहेंगे पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है और यही प्रतीक है कि जब एक पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा, पुलिस का इकबाल खत्म हो जाएगा तो जनता कहाँ रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को शासन प्रशासन में पकड़ बनानी चाहिए। हमारा कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है। 8 जावाज हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत से भी अगर ये सबक नहीं लेंगे तो मैं नहीं जानता कि प्रदेश में किसी चीज़ पर नियंत्रण कर पाएंगे। आज हमने उन जावाज उत्तर प्रदेश पुलिस के उन क्षेत्र अधिकारी से लेकर के कांस्टेबल तक उन जावाज सिपाहियों को पुलिसकर्मियों को अपनी श्रद्धांजलि दी है और इस आशा के साथ कि वो प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जंगल राज को ख़त्म करके मतलब इसको सुशासन लेके आएंगे जिससे कि जनता का हित हो सके। लेकिन साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि उन पुलिस कर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जानी चाहिए और उनके जो भी गुंडे बदमाश हैं उनका खात्मा करना चाहिए, वरना मुख्यमंत्री जी को अपने पद से त्याग कर देना चाहिए।